फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। सो आज है पहला वीकेंड दुबई में, तो मुझे एक वीक हो गया है ऑलमोस्ट दुबई में। सो मैंने सोचा आज कुछ निकलते हैं घूमने फिरने के लिए, कहाँ जाऊँ मैंने सोचा था। तो दुबई फ्रेम बिल्कुल मेरे पीछे के पास ही है, तो मैं दुबई फ्रेम दिखा जा रहा हूँ। देखो मैं कितने पास है, मैं दिखाता हूँ आपको दुबई फ्रेम। ये देखो वो ना पूछा देखा। तो यहाँ से वॉक ही नहीं है यहाँ से, फिर उसके बाद मेरे को सुपरमार्केट भी जाना है, मेरे को कुछ सामान वामान लेना है, तो वो लेंगे और फिर मिलते हैं आपसे जल्दी। यहाँ पे ना जहाँ मुझे रूम मिला है वो मतलब बहुत ही कन्वीनियंट है। यहाँ से मैं आपको दिखाऊँ, यहाँ से अगर मैं लेफ्ट जाऊँगा तो मेरा ऑफिस आ जाएगा, राइट जाऊँगा तो घूमने फिरने की चीज़ें आ जाएंगी। ये सामने वाली बिल्डिंग है, इसमें रहता हूँ मैं। यहाँ पे मैं सुनने में आया था कि बहुत गर्मी है, ये है, ऐसा तो कुछ नहीं है, धूप वगैरह है। हाँ धूप तो है, लेकिन यहाँ पे हवा इतनी तेज़ चल रही है, आपको आ रही होगी हवा की आवाज़ है ना। फिर और शाम को मैं 3-4 दिन से शाम को जा रहा हूँ, तो शाम को मेरे को यहाँ पे जैकेट कैरी करनी पड़ रही होगी, इतनी तेज़ हवा चल रही है और ठंडी हवा चल रही है। यहाँ पे टेम्परेचर रात को 17-18 डिग्री हो जाता है, यूजुअली दिल्ली में भी इतना ही था। क्लाइमेट देखोगे कितना साफ सुथरा है, मैं आपको दिखाता हूँ, देखो मतलब क्रिस्टल क्लियर जिसे कहते हैं ना, वैसा है। इतना मतलब अच्छा लग रहा है ना यहाँ पे कि कुछ बता नहीं सकते। लेकिन एक महीने बाद यही चीज़ आपको बेकार लगेगी, क्योंकि यहाँ पर एक महीने बाद यहाँ पे टेम्परेचर 45-40 यूजुअली 45-50 के अराउंड चला जाता है, तो सुनने में आया ऐसा। बट लेकिन शाम को फिर भी ठीक रहता है, रेस्ट अभी रमजान भी चालू हो रहे हैं, फिर यहाँ का रूल थोड़ा और स्ट्रिक हो जाएगा, फिर बाहर ऐसे निकलेंगे नहीं निकलेंगे देखते हैं बाकी। 1 hour later ये देखो आप दुबई फ्रेम दिख रहा होगा, दुबई फ्रेम में पहुँच भी गया हूँ, बस यहाँ से थोड़ा सा और चलना है। ये दुबई फ्रेम आगे मैंने गूगल पे देखा था, दुबई फ्रेम अगर सामने से देखो ना तो बुर्ज खलीफा आपको दुबई फ्रेम के अंदर से दिखता है। अभी जाके देखूंगा कैसे दिखता है क्या है ऊपर। ये देखो फ्रेंड्स वो रहा बुर्ज खलीफा और ये रहा दुबई फ्रेम, सही में दिख रहा है। ये देखो मेरा बुर्ज खलीफा, मेरा दुबई फ्रेम, गिफ्ट विलेज 1 to 10 इसका नाम है। यहाँ पे 1 दराम से लेकर 10 दराम तक चीज़ें मिलती हैं। तो जाएंगे इसको भी, बट लेकिन पहले दुबई फ्रेम हो गया है। पहले दुबई फ्रेम के लिए मुझे यहाँ से IS जाना पड़ेगा, यहाँ से इसके ऊपर से जाना पड़ेगा, ये क्रॉस करने के लिए। यहाँ पे पेट्रोल 3 दराम पर लीटर है, 3 दराम अप्रॉक्सीमेटली हो गए 67 रुपीज़ यहाँ के हिसाब से, 70 रुपये के आसपास हो गया। अरे कहना क्या चाहते हो, तो फाइनली पहुँच चुके हैं दुबई फ्रेम, लेकिन अंदर मैं नहीं जा रहा क्योंकि बहुत ही भीड़ है, वीकेंड है और इतनी भीड़ है भाई, मैं तो नहीं जा रहा तो भीड़ में। वैसे ही मेरे को होता है फालतू में। ये देखो भाई बहुत ही बड़ा है, तो गोल्ड का बना है क्या, मुझे नहीं पता। वैसे छोटा लगता है बहुत, सबसे मतलब क्या बताऊँ कितना बड़ा है यार, पास से अगर देखोगे ना आपको पता चलेगा। अगर मैं आपको दिखाऊँ तो ये देखो इतनी लंबी लाइन है, पीछे से आ रही है लाइन पूरी यहाँ तक, तो जाऊँगा यहाँ पे बाद में फिर कभी रमजान में चले जाऊँगा।
ऑफिस से ही सीधा। रमजान में थोड़ा पहले छुट्टी हो जाती है यहाँ पर, तो उसके बाद फिर ऊपर का और दिखाऊँगा व्यू कैसा लगता है दुबई से। तो फिलहाल तो थोड़ा सा घूमते हैं, तो देखते हैं। मेरे को मार्ट भी जाना है, यहाँ पे वाले मार्ट वगैरह घूमता हूँ थोड़ा, यहाँ तो मैं कभी भी चला जाऊँगा। मिलते हैं आपसे जल्दी। ये देखो घर पे तो कभी जिम करते नहीं है, ओपन जिम में मौज काट रहे हैं। ये है ओपन जिम, बिल्कुल दुबई फ्रेम के सामने है ओपन जिम यहाँ पे। ये देखो ये अंकल ना सारा जिम आज ही करेंगे, सारी बॉडी आज बनाएंगे, आर्नोल्ड बनेंगे आज। A few moments later. तो वहाँ से घूम के मैं आ गया हूँ गिफ्ट विलेज, यहाँ चलते हैं अंदर। बहुत सुना है इसके बारे में, लेकिन ये भी सुना है यहाँ पर स्टफ अच्छा नहीं होता, बट फिर भी देख कर तो आए आया तो कैसा है। फुटबॉल जर्सीज भी हैं यहाँ पे, देखता हूँ लेता हूँ मैनचेस्टर यूनाइटेड। तो फाइनली निकल चुके हैं बहुत सारी शॉपिंग करके, फिर कुछ बैग में भी है मेरे, बैग में जान बूझ के ले आया था मैंने, बहुत सारा सामान लिया। पर पहले मैं आपको ये दिखा दूँ कि मेरे सामने क्या है। भाई अलग ही लग रहा है, पता नहीं, मैं बहुत ही अलग रहा है, बहुत ही अमेजिंग। तो फिलहाल मैं निकल चुका हूँ, पैदल पैदल आराम से जाएंगे घर पर, जाके रेस करेंगे, आएंगे मैच देखेंगे और सो जाएंगे। फाइनली पहुँच गए हैं घर, काफ़ी थक गए हैं, सो अब चेंज वेंज करेंगे, थोड़ा रेस्ट करेंगे, फिर डिनर करेंगे, फिर कुछ मूवी वगैरह देखेंगे, फिर आपसे मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन बाय।